उज्जैन की तो अब तक मुल्क के अंदर 3,30,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। पिछले 1.5 साल के सवील अरसे के दौरान उन लोगों को कतई भुलाया नहीं जा सकता जो फ्रंट लाइन वर्कर्स या कोविड वॉरियर्स कहलाए। इनमें डॉक्टर और पैरामेडिक्स का भी एक बड़ा रोल रहा है और मुल्क के अंदर किस तरीके से अपनी खिदमत अंजाम देते हुए डॉक्टर्स भी इंतकाल कर गए, इसकी एक तहरीर भी हमारे पास है जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी की गई है। और अब तक कोविड की दूसरी लहर के दरमियान, यानी ये जो सिर्फ दिसंबर और जनवरी से आप अब तक देख रहे हैं 4-5 महीनों के दौरान, इनमें 594 डॉक्टरों की मौत हुई है। IMA के ताजा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक नई जो फहरिस्त सामने आई है, इन 594 लोगों में जम्मू कश्मीर के 3 डॉक्टर्स भी शामिल है। और इस फहरिस्त में जो नाम सबसे ऊपर है, जिसमें सबसे ज्यादा अमवात दर्ज की गई है, वो इस वक्त दिल्ली है। 107 डॉक्टरों ने यहां पर इंतकाल किया है। 32 अमवात आंध्र प्रदेश के अंदर हुई है, असम में 8 हुई है और गुजरात के अंदर 31 डॉक्टरों की, झारखंड के अंदर 39, राजस्थान 43 के साथ इस वक्त टॉप 10 में है। 21 संवाद तमिलनाडु के अंदर, तेलंगाना में 22, यूपी के अंदर 67 लोगों की, मतलब 67 डॉक्टर्स जो हैं जिनकी मौत हुई है पिछले 3-4 महीनों के दौरान। और इसी तरीके से 25 अमवात मगरबी बंगाल के अंदर और जम्मू कश्मीर में 3 डॉक्टरों ने दम तोड़ा है कोविड की दूसरी लहर के दौरान। IMA के आदादोशुमार के मुताबिक दूसरी लहर में 594 डॉक्टर अपनी खिदमत अंजाम देते हुए इंतकाल कर गए। खास बात यह है कि 594 डॉक्टरों में से इन सभी को स्पेशल कोविड ड्यूटी पे लगाया गया था और उन अस्पतालों के अंदर लगाया गया था जिनको इस बात सरकार की तरफ से कोविड के लिए खास अस्पताल तैयार किया गया था।